Hey guys, what's up? It's your boy Osama Khan back again with a brand new vlog. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने आज के ब्लॉग का टाइटल देख लिया, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैंने टाइटल में वो चीज़ डाली नहीं है। तो आप लोगों को ये करना है कि ब्लॉग एंड तक देखना। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों को पता है कि लाइक करना है मेरी वीडियो को और अच्छे कॉमेंट्स करने नीचे। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, क्या करो, जाओ जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, यहाँ मैं अपनी आईडी मेंशन करता। और बाकी तुम लोग देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ही गाँव टाइप लग रही है, तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पर और मैं तुम लोगों को लोकेशन दिखाऊंगा कितनी बॉम्ब लोकेशन है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो फाइनली गाइस, ये वो लोकेशन है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे कि तुम लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि जो खबरें बनी हुई है, बेसिकली ये जो लोकेशन है जिस जगह में मैं मौजूद हूँ, ये है चौकंडी कब्रिस्तान। जैसा कि आप लोगों ने चौकंडी कब्रिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो मैं आज आप लोगों को पूरी लोकेशन दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि ये जो खबरें बनी हुई हैं, इस पर जो आप नक्श निगारी देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी खबरें हैं। और ये जो बोलते हैं लोग, जहाँ तक मैंने सुना है, तो ये 600 साल पुरानी खबरें मौजूद हैं यहाँ मेरे इर्द गिर्द। इस तरफ भी मेरे आगे भी हैं और मेरे पीछे भी मौजूद हैं ये खबरें। और अभी देखते हैं हमें यहाँ और क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये व्लॉग एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आज से तकरीबन 600 साल पुरानी बात, यहाँ ऐसे कबीले आबाद थे जो अपने आप में ही एक मिसाल थे। इनकी जहानत का अंदाज़ा इनके मकबरे देख के लगाया जा सकता है। मर्द की खबरों पर पगड़ी या ताज बनी है और औरत की खबर शादी। तो जैसा कि तुम लोग ये खबरस्तान देख रहे हो और ये खबरें देख रहे हो कि कितनी इसमें महारत से खबरों को बनाया है, इसमें जो नक्श निगारी हुई है, जैसे फूल वगैरह बने हुए हैं, बहुत खूबसूरती से ये खबरें तामीर की गई हैं। ये आज से तकरीबन 600 साल पुराना कब्रिस्तान है, बहुत ज़्यादा कदीम कब्रिस्तान है। कि जिस तरीके से आप ये इसकी नक्श निगारी देख रहे हैं कब्रिस्तान की, तो उस ज़माने के लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार और अकलमंद थे और क्रिएटिव बंदे थे जिन्होंने इस तरीके की ये नक्श निगारी वाली खबरें बनाई हैं। क्यों आजकल इस ज़माने में ऐसी खबरें हमें नहीं मिलती, तो ये 600 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर इस तरीके की खूबसूरत खबरें हमें नज़र आती थी। ये खबरें 5 फीट ज़मीन से ऊंची, इन मकबरों पर तलवार, तीर, जेवरात के निशान बने हुए हैं। ये सब मकबरे हमें सिंधी और बलोची सकाफत की याद दिलाते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने ये लोकेशन देखी, ये तो लोकेशन मुझे लग ही नहीं रही कि पहली बात कि ये कराची में मौजूद है और इस दौर में मौजूद है, क्योंकि ये जो खबरें हैं जिस तरीके से इस पर नक्श निगारी बनी हुई है, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिरौन वाले ज़माने में आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले ज़माने में आ गया, क्योंकि वहाँ की जो खबरें वगैरह बनी हुई वो भी इसी तरीके से बनी हुई है नक्श निगारी की, वहाँ के पैरामिड्स, अहराम मिस्र वगैरह। और जैसे कि मैं आप लोगों को ये खबरें दिखाता हूँ, अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये खबर है और ये ब्लैक कलर का कोई पत्थर है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पत्थर का नाम भी नहीं पता क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने का पत्थर है। ये आजकल का पत्थर नहीं, पुराने ज़माने का बनी हुई खबरें हैं ये। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे सिंगल खबर है, इसके अंदर एक ही खबर है। अगर आप पीछे देखो तो ये भी सिंगल खबर है, और अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो एक ये खबर बनी हुई और एक इसके बराबर में खबर है। तो बनी हुई मिक्स है, लेकिन है दो खबरें क्योंकि बीच में कोई पार्टीशन सेपरेशन वगैरह नहीं। जो यहाँ पर लोग मदफन हैं, इनका ताल्लुक जोकियो, जाम और कलामाती बलोची कबीलों से है। इन लोगों के पास जो आमदनी के वसाइल थे, वो समंदरी तिजारत थी और इसी से ये लोग अपना गुजर बसर करते थे। तो यही आज का छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो आप लोगों को बताएं कि इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। सी या बाय नेक्स्ट ब्लॉग।